मारूड के एक शिक्षक रियासत अली रियासत जो बुरहानपुर शहर में रहते हैं, इनकी एक किताब क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, इस किताब का प्रकाशन जलगांव के अब्दुल करीम सालार साहब के हाथों हुआ। इस समय यहाँ पर बुरहानपुर शहर की मशहूर सामाजिक शख्सियत स्टेज पर मौजूद थी। हर एक ने अपने ख्यालात इस किताब के बारे में पेश किए। इसी तरह मारूड यावल तालुके के मारूड गांव के वसीम इंजीनियर साहब ने भी अपने विचार सोच इस किताब के बारे में बताई। और आज के नौजवानों ने इस किताब को पढ़कर क्या क्या करना चाहिए ये बताया। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक। बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है कि 9000 का भी मार्केट में अभी सर्कुलेट हो चुकी है और ये 10000 का एडिशन अभी मार्केट में आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने उम्मत के बच्चों को काफ़ी फ़ायदा दिया है और एक बहुत अच्छे मुकाम पर अभी सर आ चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ आने के बाद उनके जहन में या हमारे किसी के जहन में ये बात आ रही है कि थोड़ा रुका जाए, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जिस वक्त हमारे जहन में जमूत का ख्याल आ जाए और ठहरने की बात आ जाए, उस वक्त तो फिर हमारा सवाल शुरू हो जाता है। तो मैं तमाम से ये गुजारिश करूंगा और सर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अभी हम देखें कि अफ्रीका के जंगल में जब सुबह होती है तो हिरन दौड़ने लगता है, क्योंकि उसके बाद एक ही ऑप्शन होता है, या तो मुझे शेर का निवाला बनना है या अपनी जान बचाना है। और उस दूसरी तरफ शेर भी भागता है कि अगर मैं नहीं भागा तो फिर मुझे भूखा भूखा मर जाना है। तो हम या तो हिरन है या शेर है, कोई भी है, बताए हाल हमें दौड़ना है और हमारी जो रेस है उसे धीरे नहीं होने देना है। अभी 3 किताबों का यहाँ पर इजरा हुआ, तो मैं दुआ करूँ कि अल्लाह ताला बाकी किताबें भी इनकी बहुत जल्द से जल्द मार्केट में लाए और इसको कामयाबी अता करें।